नमस्कार सभी लोगों की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, उनकी शक्ति के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का जो पावन पर्व है, माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा उपासना के लिए विधि विधान के साथ में लोग करते हैं। इसके पीछे कुछ तात्विक अवधारणा का परिज्ञान धार्मिक संस्कृति और सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय में जहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण नामकरण शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन जो है वृषभ है, इसलिए वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल इनके है। प्रथम देवी हैं, इनको सती के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक धार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने जब यज्ञ किया था तो सारे देवताओं को निमंत्रित किया था, भगवान शंकर को नहीं किया। सती जी ने यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल उठ रही थी। शंकर जी जब नहीं गए तो मना कर दिया। सती की प्रबल आग्रह को देखकर शंकर जी ने यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। सती जब पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव देखा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपनी पति का जो अपमान है वो सह न सकी और अपने को जलाकर उन्होंने भस्म कर दिया। इसलिए इनका नाम सती हुआ और जन्म वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली और शैलपुत्री का नहीं। पार्वती और हेमवती भी इस देवी का नाम है। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ है। शिव जी की अर्धांगिनी है, की शक्ति अनंत है। पूरे नौ देवी देवताओं की शक्ति अनंत है। हम रोज बात करेंगे, दिन प्रतिदिन जो हम बात करेंगे नए रूप में। आज बस इतना ही। जय माता दी।